चैनल डायमंड स्टोन गेमिंग और मैं हूं देवजीत। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस सीजन के एलीट पास के बारे में। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब एलीट पास को देखते हैं, जिसके बारे में मैं बहुत दिनों से सुन रहा था कि एक बढ़िया सीजन है। तो यहाँ पे एक पहले लड़की का एक ड्रेस दिया है जो कि काफ़ी बढ़िया है 50 बैचेस में। उसके बाद वीपन रॉयल भाउचर है, यहाँ पे एक बैनर है और ये पैन का स्किन देखिए, ओह लाजवाब लग रहा है ये देखने में। इसके बाद दिया है एक जीप का स्किन, ओह माई गॉड दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, कितना अच्छा है। इस सीजन का एलीट पास तो सब लोगों को लेना चाहिए, मैं बोलूँगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी लूँगा इसे। उसके बाद समन एयर ड्रॉप है और ये सप्लाई प्ले कार्ड है और यहाँ पे एक बैनर है और यहाँ पे एक लड़की का ड्रेस है, ये भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। ये ड्रेस भी बंडल भी बहुत अच्छा है जो कि दे रहा है 50 में। और यहाँ पे एक लड़का का ड्रेस है, ये भी सॉलिड लग रहा है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, ये तो डायमंड रॉयल भाउचर है 70-75 में ये दे रहा है फ्रैगमेंट्स। और 80 में देखिए, और ये कैटलिन का एक स्कीन है, ये भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद फिर से 90 में वीपन रॉयल भाउचर दे रहा है। उसके बाद 100 में एक टी शर्ट, फिर एक बैनर है 115 में, फिर एक ग्रेनेड्स का स्कीन जो देख रहे हैं 125 में, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा है ये, क्या बताएं। और ये एक बैनर है, इसके बाद 140 में डायमंड रॉयल भाउचर, फिर से 150 में एक बैनर है और इसके साथ ये जो देख रहे हैं, ओह माय गॉड, ये तो मतलब क्या बताऊँ, मुझे तो ये ऑसम लग रहा है। इस सीजन को एलीट पास को तो लेना ही चाहिए, मैं तो ज़रूर लूँगा इस बार एलीट पास। ओह ये तो बढ़िया है, पूरा बढ़िया, 150 में ये दे रहा है। इसके बाद 165 में ये फोर्सेकन ब्लेड, ओ माय गॉड, ये शार्प बोर्ड है, देखिए कितना अच्छा है देखने में। और उसके बाद 170 में फ्रैगमेंट्स दे रहे हैं, 180 में इवैल्यूएशन स्टोन है, 195, 200 में एक बैकपैक है और उसके साथ यहाँ पे भी एक बैकपैक है, ओह माय गॉड ये तो ऑसम है, लाजवाब है ये, क्या बताएं, 10/10, इतना अच्छा बैकपैक का स्किन, मतलब क्या बताएं। 205, 210, यहाँ पे लास्ट में 225 में ये जो लड़का का बंडल है लड़के के, ये भी बहुत ही अच्छा है। सो ओवरऑल यहाँ पे भी एक ऑर्गेनिक शर्ट है। तो ओवरऑल हम अगर देखें तो ये सीज़न का एलीट पास बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सीज़न का एलीट पास। तो आप लोगों ज़रूर बताना कि ये सीज़न का एलीट पास कैसा लगा।